आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नई पार्टी युवा जनशक्ति सेना राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही है। हमारा सपना सत्ता हासिल करना नहीं, हम समानता लाना चाहते हैं ताकि प्रदेश के हर वर्ग के लोग आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नई पार्टी युवा जनहित सेना राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रहा है। हमारा सपना अनंत बहुत रिलैक्स लग रहा है, तुम भी रिलैक्स किया, मंदिर में जवाब नहीं दिया, फिर विजय आया, तू विजय को पूछते क्या होगा, बोले कॉलिंग एंड एक्शन। आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नई पार्टी युवा जनहित सेना राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रहा है। हमारा सपना सत्ता हासिल करना नहीं है, हमें समानता लाना चाहते हैं हम, ताकि प्रदेश के हर वर्ग के लोग गर्व से कह सके कि इसे हमने चुना है। ये हमारी सरकार है, ये लोगों की सरकार है। हम ऐसा कल लाना चाहते हैं जहां कोई भी मजदूर या चौकीदार का बेटा या बेटी बिना डरे डॉक्टर, इंजीनियर या विधायक बनने का सपना देख सके, उसे पूरा कर सके। हमने पार्टी की घोषणाओं का उपन्यास नहीं लिखा है, हमारा मकसद साफ है, हमें जमीनी स्तर पर सभी लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है। इसलिए काफी सोच विचार कर हमने नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई। काफी सोच विचार कर हमने नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई है, जिनमें से पहला नाम है राजेश सिंह। आइए यहां से क्लियर करें, बोले एंड एक्शन। पहला नाम है राजेश सिंह। ब्रजेश त्रिपाठी, शनवाज खान, और इस लिस्ट में जो आखिरी उम्मीदवार है उनका नाम हम इस लिस्ट में डालने से पहले संकोच कर रहे थे, क्योंकि किसी को यह ना लगे कि आप सबके सामने अपने परिवार के सदस्य की तरफ दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर यह उम्मीदवार हमारे परिवार का ना भी होता तो भी हम इसे उम्मीदवार की लिस्ट में जरूर शामिल करते, क्योंकि उसके अंदर का हुनर हमने देखा है। हमें विश्वास है कि वो प्रभात भैया के नाम और काम को और भी आगे बढ़ाएगा। हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि इसे भी आप बाकी उम्मीदवारों की तरह अपनाएं और खुले दिल से आशीर्वाद दें और साथ दें। वो नाम है हमारा अपना छोटा भाई अग्गू अगस्त नाम वारी। रोलिंग सर।
क्या ड्रामा चल रहा है आज आपको मेरे दो अनमोल अच्छा सॉरी फिर तो फिर आप इनके पास ले जाना चलो फिर से स्टॉक टेक फिर से पूछो आपको आज ये मेरे दो अनमोल रत्न बताएंगे बता भाई एक्चुअली क्या होता है कि मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई चाचू को लेकर मुझे चुनाव में खड़ा होना था और मुझे लगता है कि चाचू नहीं चाहते कि मैं चुनाव में खड़ा रहूं लेकिन उनको नहीं पता कि मैं सोच रहा हूं कि चुनाव में खड़ा हूं या क्या मेरी प्लानिंग है और क्या सोच रहा हूं मेरे सपने क्या है उनको नहीं पता है हमारे बीच में एक कैरेक्टर है रेशम वो जो कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है उनकी वजह से सब ये होने वाला है तो आज हम इसकी वजह से हम तीनों भाइयों के बीच में एक दरार आती है और अगस्त जो है जिसका मैं दिल जीतना चाहता हूं जो मुझसे बहुत नफरत करता है मैं मुझे लगता है कि उसने पहली बार मुझे बोला है कि वो कुछ करना चाहता है पॉलिटिक्स में तो मैं उसका दिल जीतने के लिए अगस्त को पॉलिटिक्स में मैं तो बहुत खुश हूं मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई भाई गए भाड़ में मैं नेक्स्ट युवा नेता बनने वाला हूँ तो वेरी हैप्पी अबाउट दैट भाई की वजह से और मैं वही रिएक्शन देख के आया हूं बहुत हैप्पी वाला था और खुश भी हो गई विजय को पता नहीं है कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में ये कुछ चल रहा है ये चाहता है ये नहीं चाहता है ये चाहता है ये नहीं चाहता है वो अनजान है उसको बस लग रहा है कि वो अगस्त की हेल्प कर रहा है लेकिन इस प्रोसेस में वो अंगद का दिल तोड़ देता है ये उसे समझ में नहीं आता है तो इसकी वजह से हमारे घर में अब एक बहुत बड़ा तनाव होने वाला है क्योंकि इसको लगता है कि मैं अपने सगे भाई को चूज़ किया अपने हनुमान जैसे भक्त को चूज़ नहीं किया और इसकी वजह से आगे चल के बहुत 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 सारा हमारा ड्रामा होने वाला है भाभी को मेरे से प्रॉब्लम होने वाली है कि भाई उसने अपने सगे भाई को चूज़ कर लिया तुझे चूज़ नहीं किया क्योंकि तू तो प्रभात भैया का बेटा है और बहुत बहुत इंटरपर्सनल मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि शुरू से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं उनके साथ ही रहता हूँ जो ये कहते हैं वही करता हूँ जो ये चाहते वही करता हूँ और आज फाइनली मैं चाहता था कि ये मुझे टिकट दे लेकिन कुछ जो गाली देता है मुझे मैंने उसको दे दी सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट नहीं मेरे को पता ही नहीं था कि ये चाहता नहीं, है नहीं नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ना किनको पता ही नहीं ही लव्स इक्वली बोथ ऑफ अस वो दोनों को बहुत दिल से प्यार करते हैं पर फैमिली में पॉलिटिक्स चल रही है वो बेचारे अलग ही परेशान है इसने अपनी विश एक्सप्रेस की थी कि मैं बनना चाहता हूं तो मैंने कहा बिल्कुल अगर इसने की होती तो मैं शायद इसको बना देता लेकिन मुझे पता ही नहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बना देंगे पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन वैसा शायद है क्या वो पता चलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं दोनों मेरे अनमोल रत्न है मैं इन दोनों को शो में जितना प्यार करता हूँ लाइफ में भी उतना ही प्यार करता हूँ डिफरेंस बस ये है कि ये शो में मुझे गाली देता है लाइफ में पीट पीछे देता होगा ऐसे मुंह पे तो नहीं देता नहीं देता नहीं देता संजय पहले पीछे जाओ पीछे उधर जाओ दो लड़के जो इधर आएगा तो पीछे जाके देखेगा जब इधर से आएगा अंजलि सर ये बढ़िया है वो देखो
Good. Good.